हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हेमंत द ईडी गुरु में। और आज हम जो टॉपिक लेके आए हैं उसका नाम है स्कैटर डायग्राम। ठीक है, तो इस लेक्चर को आप ध्यान से सुनिएगा और यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर और लाइक करना ना भूलें। तो आज का टॉपिक है स्कैटर चार्ट या स्कैटर डायग्राम। हम इन दोनों में से किसी एक नाम से इसको कॉल कर सकते हैं। तो जो स्कैटर चार्ट है ये दिखाता है दो वेरिएबल्स के बीच का रिलेशन। इट इज़ ए ग्राफिकल टूल विच कोरिलेट्स टू वेरिएबल्स, मतलब दो वेरिएबल्स के बीच के रिलेशन को ये स्कैटर चार्ट शो करता है। तो जो दो वेरिएबल होंगे उसमें से एक होगा इंडिपेंडेंट और एक होगा डिपेंडेंट, जैसे कि इनकम और एक्सपेंडिचर। तो इनकम है हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एक्सपेंडिचर है डिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे कि जितनी इनकम बढ़ेगी उतना ही एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, जितनी इनकम कम होगी उतना ही एक्सपेंडिचर कम होगा। तो एक्सपेंडिचर डिपेंड करता है इनकम पे। तो इनकम हुआ इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एक्सपेंडिचर हुआ डिपेंडेंट वेरिएबल। तो इनकम इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड एक्सपेंडिचर इज द डिपेंडेंट वेरिएबल विच डिपेंड्स ऑन इनकम। इनकम वेरिएबल इज शोन ऑन एक्स एक्सिस एंड डिपेंडेंट वेरिएबल इज शोन ऑन वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पे हम लेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल को और वाई एक्सिस पे लेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल को। तो ये हो गई इसकी थ्योरी। ठीक है, अब इस स्कैटर डायग्राम में हमारे पास पांच केस हैं। पहला केस परफेक्ट पॉजिटिव, दूसरा केस परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन, तीसरा केस हाई डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन, फोर्थ केस हाई डिग्री नेगेटिव कोरिलेशन और फिफ्थ में ज़ीरो कोरिलेशन। तो पहला केस क्या है, तो हम इन सब चीज़ों को समझेंगे ग्राफ की हेल्प से। ये देखिए, तो ये जो ग्राफ आप देख रहे हैं कि सारे पॉइंट एक सीध में हैं, सारे पॉइंट एक ही लाइन में लाई कर रहे हैं। तो इस ऐसे रिलेशन को हम बोलेंगे परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। परफेक्ट पॉजिटिव क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये बढ़ रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो इसलिए हम इसको बोलेंगे पॉजिटिव कोरिलेशन। परफेक्ट क्यों बोला, क्योंकि सारे पॉइंट एक ही लाइन में लाई कर रहे हैं और ऊपर वाला एरो शो कर रहा है इनके चलने की डायरेक्शन। तो ये चल रहा है कैसे, लोअर लेफ्ट कॉर्नर से अपर राइट कॉर्नर पे। तो एक केस तो ये हो गया यदि इसकी डायरेक्शन बढ़ने की ऐसी हो। दूसरा केस क्या है, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन, तो उसमें डायरेक्शन कैसी होगी, ऐसी। ये देखिए परफेक्ट क्यों, अब भी सारे पॉइंट एक ही लाइन में हैं लेकिन ये चल रहे हैं ऊपर से नीचे की तरफ, डायरेक्शन कैसी है, ऐसे। तो वाई घट रहा है और एक्स बढ़ रहा है, समझ में आ रही बात। तो इसको हम बोल, जब डायरेक्शन कुछ इस तरीके की हो तो उसे बोलेंगे परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। थर्ड केस है हाई डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन। तो ध्यान दीजिए इसमें परफेक्ट वर्ड नहीं है, तो कहने का मतलब क्या हुआ, सारे पॉइंट एक ही लाइन में लाई नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट कुछ इस तरीके से लाई करेंगे जिगजैग वे में, कोई ऊपर कोई नीचे, कोई ऊपर कोई किसी के बीच में, इस तरीके से। लेकिन बढ़ रहे हैं ये इधर की तरफ, तो पॉजिटिव तो है लेकिन परफेक्ट नहीं है। क्यों, ये सारे पॉइंट अलग अलग जिगजैग स्कैटर हो रहे हैं, है तो पॉजिटिव डायरेक्शन में लेकिन स्केटर हैं, एक ही लाइन में नहीं है, तो इसे बोलेंगे हाई डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन। फोर्थ है हाई डिग्री नेगेटिव कोरिलेशन। तो देखिए बढ़ रहे हैं ये ऊपर से नीचे की तरफ, तो इसको हम बोल देते हैं नेगेटिव। परफेक्ट क्यों नहीं है, क्योंकि ये एक ही लाइन में लाई नहीं कर रहे। और फिफ्थ है जीरो कोरिलेशन, ना तो घट रहे हैं ना बढ़ रहे हैं, इधर उधर फैले हुए हैं इस तरीके से। तो जिनके बीच में कोई रिलेशन ना हो घटने का और बढ़ने का, इसी तरीके से वो फैले हुए हों चारों तरफ, तो उसे बोलते हैं ज़ीरो कोरिलेशन। इधर भी जा सकते हैं, इधर भी और इधर भी।
राइट भी, लेफ्ट भी, अप भी एंड डाउन भी, तो कोई निश्चित पैटर्न नहीं है इनके चलने का, तो इसे बोलते हैं ज़ीरो कोरिलेशन। चलिए अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और ये देखेंगे कि इन पांचों में से कौन सा रिलेशन निकल के आ रहा है। ये देखिए, ये एग्जांपल है, एग्जांपल ऑन स्कैटर डायग्राम। तो ये तीनों ही कॉलम या तीनों ही रो आपको क्वेश्चन में दी होंगी और वो ड्रॉ करवाएगा और कहेगा प्लीज फाइंड आउट विच टाइप ऑफ रिलेशनशिप इट इज फॉलोइंग, पांचों में से कौन सा केस ये फॉलो कर रहा है। तो आपको पांचों के नाम पता होने चाहिए। तो देखिए पहले कॉलम में दे रखा है सैंपल नंबर, तो हमने 16 सैंपल लिए हैं। जो दो वेरिएबल हैं वो हैं स्पीड और एवरेज। स्पीड है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एवरेज है डिपेंडेंट वेरिएबल। तो एवरेज डिपेंड कर रहा है स्पीड पे, ठीक है। तो 30 किलोमीटर की जब स्पीड थी तो एवरेज 38 दे रही थी, अगले 30 फिर 35 का हो गया। थर्ड बार टेस्टिंग की तो 35, अगर 35 किलोमीटर पर आवर की स्पीड चल रही है तो एवरेज देगी वो बाइक या कार जो भी है 35 का, मतलब 35 किलोमीटर पर लीटर माइलेज या एवरेज, ठीक है। तो अगले फोर्थ मतलब उसी वाहन की हमने चौथी बार सैम्पलिंग की, चौथी बार उसको चेक किया, रीडिंग ली, तो फिर ये रिलेशन निकल के आया 35 की स्पीड पर एवरेज 30 का निकल रहा है, 40 की स्पीड पर एवरेज 33 का निकल रहा है। तो ये सब इस तरीके से स्पीड के अकॉर्डिंग एवरेज हमको दे रखा है। तो अब हमें ये देखना है कि कौन सा रिलेशन फॉलो कर रहा है। तो हमने x एक्सिस पे स्पीड लिया, कोई भी स्केल लेके हम इक्वल पॉइंट, इक्वल डिस्टेंस पर हमने पॉइंट मार्क किए और उस पर हमने क्या लिख दिया, स्पीड। तो हमने यहाँ पर एक सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर निशान लगा लिए और 5, 10, 15, 20 इस तरीके से हमने इसकी मार्किंग कर दी। y एक्सिस पर हमने लिया एवरेज, तो यहाँ भी हमने सेम लिया 5, 10, 15, 20, 25, 30। आप कुछ भी ले सकते हैं इसके अलावा, 10, 20, 30 भी ले सकते हैं, या 1, 2, 3 लेंगे तो बहुत लंबा बड़ा हो जाएगा। चलिए तो 30 की स्पीड पर 38 एवरेज है, 30 की स्पीड हमारी ये वाली हो गई, 30 की स्पीड पर जो हमारा एवरेज है वो कितना है 38। तो 30 की सीधे हमने लाइन खींची और 35 के ऊपर ये आ गया 38। फिर अगले 30 पर कितना आ गया 35। तो 30 तो हमारा ये वही रहा सेम, बस ये 35 आ गया, ठीक। थर्ड रीडिंग 35 से 35, तो 35 पे 35 ये आ गया, ठीक। फिर फोर्थ रीडिंग 35 पे 30, 35 पे 30 हम यहाँ पे आ गए, ठीक है। फिर फिफ्थ पे लिया 40 पे 33, 40 पे 33। फिर 40 पे 28, 6 रीडिंग 40 पे 28। इस तरीके से हमने सारे पॉइंट्स को लोकेट कर दिया। तो हमने क्या देखा, इसका जो फ्लो है वो ऊपर से नीचे की तरफ है, तो ये हो गया नेगेटिव। लेकिन क्या ये सारे पॉइंट एक ही सीध में है, एक ही लाइन में है, नहीं। तो क्या हो गया, क्या बोलेंगे इसको, हाई डिग्री नेगेटिव कोरिलेशन, ठीक है। तो इस तरीके से हम उस रिलेशन को बता सकते हैं कि वो किसको फॉलो कर रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको लेक्चर समझ में आया होगा, ठीक है। तो अगले लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात होगी नए टॉपिक के साथ। ओके, बाय।